ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले, जो प्रिडिक्शन का आधार है वो लगन है, आपको लगन के आधार पर ही देखना है, सूर्य राशि चंद्र राशि के आधार पर इसको चेक मत कीजिएगा। और इसमें चंद्रमा का जो मोशन आपके लगन के सापेक्ष होगा वो बताया जा रहा है। चंद्रमा का जो गोचर इस पूरे हफ्ते रहेगा वो कर्क राशि यानी स्वगृही अपनी राशि कर्क से लेकर कन्या लगन तक चंद्रमा का गोचर होगा और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस हफ्ते जो मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं वो सूर्य का राशि परिवर्तन ही होगा। सूर्य वर्तमान में वृश्चिक राशि में है और इनका राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को धनु राशि में यानी सैजिटेरियस में इनका गोचर होना प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल ये हफ्ता कैसा रहेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों को संक्षेप में समझते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का ये जो चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ पंचम और षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए सुख स्थान का मालिक जब सुख स्थान पर रहेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लग्नेश की जो स्थिति बन रही इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जो लग्नेश है वो मंगल है, वो द्वितीय भाव में बैठा है, वक्री है यानी वृषभ में वक्री अवस्था में है और साथ में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो यह समय जो रहेगा यानी हफ्ते का जो प्रारंभिक दो दिन रहेगा इसमें हर प्रकार के कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। दूसरा, किसी भी नए काम को आपको स्टार्ट करना है तो आपको ये हफ्ते के प्रारंभिक दो दिन में आप इसको कर सकते हैं। मध्य का जो समय रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा और नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद का जो अंतिम समय रहेगा उसमें पारिवारिक उलझने ज़्यादा रहेंगी, अकस्मात एसिडिटी की समस्या का बढ़ जाना और दूर संचार माध्यम से किसी प्रकार का अशुभ समाचार मिलना ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जो गोचर की स्थिति बन रही है, जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो आपके लिए भाग्य का सहयोग मिलना और साथ में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए विद्या अर्जन के लिए काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र रिश्तेदार इस समय पूरे हितैषी रहेंगे। ओवरऑल इस पूरे हफ्ते का प्रारंभ और मध्य हर दृष्टिकोण से अच्छा है, केवल अंत जो रहेगा खर्चों से परिपूर्ण रहेगा। मेष लगन के बाद हम वृषभ लगन की बात करते हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट के लिए। देखिए, ये आगामी हफ्ता 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस समय वर्तमान में जो आपका लग्नेश है वो बुध के साथ गोचर कर रहा है और आपके लगन भाव से अष्टम में है। अष्टमेश लग्नेश अगर होते हैं अष्टम भाव में होते हैं तो हर कार्य रुक कर होता है, कोई भी काम एक बार में नहीं कंप्लीट होता है, यही परेशानी अभी भी दिख रही है। और चंद्रमा का गोचर क्योंकि आपके पराक्रम भाव में गया हुआ है, मेहनत के भाव में गया है, तो इस पूरे हफ्ते आप ये महसूस करेंगे कि मेहनत तो मैंने बहुत ज़्यादा किया लेकिन आउटपुट आपको उस तरीके का मिल नहीं रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। इवन नौकरी व्यवसाय में हफ्ते के मध्य में स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार आपको जो परेशानियाँ चल रही थी उससे थोड़ा सा पहले के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन विद्या अर्जन में अभी भी किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां अष्टमेश बुध के कारण भी यहां पर ज़रूर रहेगा। अष्टम स्थान पर जो बुध गया हुआ है उसके कारण यहां पर रहेगा। बुध यहां पर पंचमेश होते हैं, द्वितीयेश होते हैं और अष्टम में जा रहे हैं तो परिवार में किसी प्रकार का विवाद होना और साथ में विद्या अर्जन के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा। संक्षेप में एक लाइन में कहा जाए तो ये जो राशि परिवर्तन, ये जो चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है अर्थात इस पूरे हफ्ते आपके कार्य व्यवसाय को लेकर वो संतोष नहीं मिलेगा और दूसरा विद्यार्जन में किसी न किसी बात को लेकर परेशानी रहेगी। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि के लिए केवल हफ्ते का मध्य का समय अच्छा दिख रहा है, इसके अलावा फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। मिथुन लगन की बात करते हैं, तीसरा लगन अर्थात मिथुन लगन यानी जेमिनी असेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो आने वाला ये पूरा आगामी 7 दिन होने वाले हैं ये आपके लिए कंपेरेटिवली कहा जाए तो पहले से एक अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके लगन के भाव से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेंगे तो इस समय लग्नेश जो आपका जो बुध है सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि आपके
बिजनेस के लिए यानी दैनिक रोजगार के लिए या बिजनेस के लिए काफी अच्छा परिणाम भी दे रहा होगा, साथ में आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा धन के अर्जन से प्रारंभ होगा, अर्थात धन जो होगा कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा और रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपके पास मिलेगा। लेकिन इस समय किसी प्रकार के जल दुर्घटना हो सकते हैं, जल वाले क्षेत्र से आपको बचना चाहिए, दूषित जल इत्यादि से किसी प्रकार का संक्रमण शरीर में फैल जाए ऐसा भी चार्ट में पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, हफ्ते का अंत जो रहने वाला है, ये हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और ये डेवलपमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि वाड़ी पर थोड़ा संयमित आपको हफ्ते के अंत में जरूर रखना चाहिए, लेकिन मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कंपैरेटिवली कहा जाए तो बहुत अच्छा युति जो है अब बनना प्रारंभ हो गया है और सुख का मालिक भी केंद्र में है और अपने ही भाव से चतुर्थ भाव में है, लग्नेश होकर खुद लगन पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो ओवरऑल ये हफ्ता जो रहने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम को लेकर आ रहा है। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करेंगे, अर्थात कैंसर एसेंडेंट के लिए। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव, लगन से द्वितीय भाव, लगन से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये जो गोचर होने वाला है वो आपके, क्योंकि लगन में चंद्रमा रहेंगे, लगन में चंद्रमा रहने से कई प्रकार के मानसिक तनाव जो चल रहे थे वो सारे तनाव खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा धन के संचार में भी आपको काफी बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा हफ्ते के मध्य में नाम, पद और प्रतिष्ठा ये सभी आपके बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके टेंशन स्थान यानी फिफ्थ हाउस में जाकर बैठा हुआ था, फिफ्थ हाउस पे जब सूर्य रहता है तो टेंशन के बराबर होता है, इसीलिए फिफ्थ हाउस टेंशन का ना बोलकर फिफ्थ हाउस में सूर्य जो है वो टेंशन का हाउस बन जाता है। और ये अब आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन भी हर तरीके से अच्छा रहा। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए अब परिस्थितियां जो है पहले से अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं और ओवरऑल सूर्य जो कठिनाई आपके लिए उत्पन्न कर रहे थे, जो आपके बड़े भाई बहन के साथ रिलेशन भी खराब कर रहे थे, अब वही सूर्य आपके लिए हर तरीके से अच्छे रिजल्ट देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत सभी आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में सभी गोचर की अवस्था इस समय बहुत ही अच्छी चल रही है और यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हालांकि आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर लेकर आने वाला है। आय के साधन को हालांकि आप अपने विवेक के द्वारा, जो अपना आपका माइंड है आप उसका यूज करके आप निश्चित रूप से बढ़ा लेंगे, चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक दो दिनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। विदेशों से आपको जो भी कार्य करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम आप विदेशों से काम करते हैं उसमें कुछ डिले होता हुआ प्रारंभिक दो दिनों में दिखाई देगा। अकस्मात शरीर में एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के मध्य में जो द्वादश का मालिक है वो लगन में गोचर करेगा तो विदेश से रुके हुए कार्य को पूरा कर देगा और साथ में आय के साधन को बढ़ाएगा। जितनी भी परेशानियां चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके अलावा परिवार में धन की स्थिति, परिवार जो में विवाद की स्थिति थी वो सब खत्म होगी और धन जो रहेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि परिवार का स्थान और धन का स्थान द्वितीय भाव होता है, दोनों में ही बढ़ोतरी होता हुआ पॉजिटिव रिजल्ट होता आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर प्रकार से ये समय अच्छा रहने वाला है और नौकरी व्यवसाय के लिए तो जब तक मंगल वक्री अवस्था में या मार्गीय अवस्था में दशम भाव में है वो आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। किसी प्रकार के हफ्ते के अंत में जाकर किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है, तो जिनको स्थान परिवर्तन करना है हफ्ते के अंत में आते आते आप कर सकते हैं। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में, एकादश द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। अब ये जो चंद्रमा रहने वाला है ये आपके लिए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आय के साधन को बढ़ाने वाला, बड़े भाई बहनों का मदद के थ्रू आपके किसी प्रकार के आय के साधन को बढ़ाना हो या संबंध को बढ़ाना हो, ये सारी चीजें इसमें बड़े भाई बहनों की जो भूमिका रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। विदेशों से लाभान्वित भी होंगे और विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, अकस्मात ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। हफ्ते के मध्य में आपको लगेगा कि खर्च ज्यादा हो रहा है, अकस्मात एक के बाद एक खर्च बढ़ता जा रहा है, तो खर्च पर आपको संयमित हफ्ते के मध्य में रखना
चाहिए। हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा आपके लाभेश होकर खुद लगन में जाकर बैठेंगे तो और बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, तो ये समय जीवन साथी का पूरे तरीके से सहयोग मिलना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होना और प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, ऐसा कुछ चार्ट में दिखाई दे रहा है। अभी भी केवल परेशानी केतु के द्वितीय भाव में बैठने के कारण है, लेकिन राहु आपको पैतृक संबंधों से संबंधित चीजों में आपको लाभ जरूर कराएगा। कन्या लगन के बाद तुला लगन अर्थात लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे। देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा दशमेश होकर दशम स्थान पर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जो लोग वाटर रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो लोग आइसक्रीम रिलेटेड काम करते हैं या फ्लूड रिलेटेड कोई काम करते हैं, एक ऐसा फ्लूड जो ठंडा हो, इस तरीके की चीज़ों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जिनका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है और वो तुला लगन वाले जातक है, उनके लिए भी शानदार ये हफ्ता बीतने वाला है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे हफ्ते का मध्य हो, चाहे हफ्ते का अंत हो। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर बाकी व्यवसाय वाले लोगों के लिए भी इस लगन में अच्छा समय व्यतीत होता मैं देख पा रहा हूँ। शत्रु जो थे, जो बढ़े हुए थे या आपके जो शरीर में रोग की एंट्री हो गई थी जिसके कारण मानसिक परेशानी हो गई थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत तीनों ही अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट हफ्ते के अंत में कार्य व्यवसाय को लेकर एक लंबी दूरी की यात्राएं हो जाए, ऐसा भी चार्ट में इंडिकेट हो रहा है। मित्र रिश्तेदार सभी समय हितैषी रहेंगे और कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। भूमि वाहन मकान को अगर बनाने का सोच रहे हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए, सूर्य की संक्रांति के बाद ही इसको आरंभ करना चाहिए, मकर संक्रांति के आसपास। तुला लगन के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लगन अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए आगामी ये समय कैसा व्यतीत होने वाला है। देखिए, वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन भाव से भाग्य का मालिक दशम में, भाग्य का मालिक अपने ही से पराक्रम स्थान पर और एकादश भाव में जब गोचर होगा तो निश्चित रूप से ये हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा भाग्य आपके फेवर में होगा। हर तरीके से मान पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ने वाली है और क्योंकि ये भाग्य से सुख स्थान पर रहेंगे, भाग्य से द्वितीय भाव सुख हो जाता है, वो सुख स्थान पर भाग्य के रिस्पेक्ट में जब गोचर करेंगे तो भाग्य से सुख स्थान, लेकिन कहां पर? कार्य को लेकर व्यवसाय को लेकर किसी ना किसी प्रकार का एक अच्छे इंडिकेशन, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये 17 दिसंबर की बात किया जाए या 16 दिसंबर के आसपास का टाइम आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहने वाला है उसमें भी आय के साधन बढ़ेंगे, तो एक चीज तो मैं कंफर्म हूँ, इस पूरे हफ्ते अगर किसी एक लगन का बहुत बढ़िया होने वाला है वो वृश्चिक लगन है। सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और प्रेम प्रसंग तो चलेगा ही और साथ में आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, तो हर तरीके से वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हफ्ता अच्छा होने वाला है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए जो पूरा हफ्ता आने वाला है ये आपके लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में अष्टम, नवम और द्वादश दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा जो रहेंगे वो स्वगृह रहेंगे प्रारंभिक दो दिन में, तो गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर दे देंगे, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट ही नहीं है। साथ में चंद्रमा क्योंकि अष्टम में रहेंगे, स्वगृह रहेंगे, तो कई प्रकार के रुके हुए कार्य को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद चंद्रमा मूव कर जाएंगे अपने ही भाव से द्वितीय भाव में और यहाँ पर सुख की अनुभूति रहेगी, पिता से सुख मिलेगा, भाग्य से सुख मिलेगा और छोटे भाई बहन रिश्तेदार ये सभी आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंग में भी प्रागढ़ता आ जाएगी और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। हफ्ते का कहा जाए प्रारंभिक दो दिन में जल वाले क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी बनाइए, लेकिन इसके बाद के जो बाकी दिन रहने वाले विशेष रूप से हफ्ते का मध्य है, हफ्ते का अंत है, वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते किसी प्रकार के बड़े डील होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, जो लोग बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई बड़ा बिजनेस डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु लगन के बाद हम बात कर रहे हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए प्रारंभिक जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में हो रहा है और चंद्रमा सप्तमेश है। सप्तम स्थान के कारक तो शुक्र होते हैं, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम स्थान पर बैठना निश्चित रूप से कहा जाए यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट चंद्रमा देंगे।
और साथ में शनि से दृष्ट है तो थोड़ी सी लग्नेश की दृष्टि भी इस पे पड़ेगी। तो ओवरऑल दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन हफ्ते के मध्य में परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद अकस्मात उत्पन्न हो सकता है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े इत्यादि हफ्ते के मध्य में हो सकते हैं। लेकिन हफ्ते का अंत जो रहने वाला है उतना ही शानदार रहने वाला, उतना ही रिकवर करेंगे आप और भाग्य से सारे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से कहा जाए जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपके पास एक से बढ़कर एक पॉजिटिव न्यूज का आना शुरू हो जाएगा और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लंबे टाइम में किसी प्रकार के निवेश करने के लिए और राजनीतिक सफलता भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मकर लग्न वाले जातकों के जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम प्रसंग अच्छा चलेगा और साथ में जो संतान के साथ किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, संतान को लेकर कुछ चिंतित थे तो वो चिंताएं अब खत्म होते हुए दिख रही है। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दो चीजें परेशानी हो रही है, एक तो गोचर का जो सूर्य आपके लगन से पंचम पे दृष्टि डाल रहा है एक टेंशन का कारण, और चंद्रमा का गोचर आपके छठवें सातवें आठवें में गोचर करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जो हफ्ते का प्रारंभिक रहेगा वो अस्पतालों पर किसी ना किसी प्रकार के खर्च करा कर रहेगा और साथ में अगर अस्पतालों पर खर्च नहीं होंगी तो उधर संबंधित कोई पीड़ा होना और एसिडिटी का बनना, ये सारी चीजें लगी रहने वाली। हफ्ते का मध्य केवल हर दृष्टिकोण में देखा जाए तो हफ्ते का मध्य इनकम के लिए अच्छा, हफ्ते का मध्य किसी प्रकार के बड़े भाई बहन बुजुर्गों का सहयोग मिलकर कार्यों को कर लेना ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आपको चिंता का कारण बना सकती है यहाँ पे। और ये समय जो रह रहा है थोड़ा चैलेंजिंग कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जरूर रहेगा, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो चाहे हफ्ते का अंत हो। साथ में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके भी विद्यार्जन में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो समय बहुत अच्छा नहीं है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, इसलिए किसी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा। दूर संचार माध्यमों से कुछ ना कुछ लाभान्वित जरूर हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले थे उस प्रोजेक्ट में कुछ डिले होने के बाद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ऐसा इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन के लिए आगामी हफ्ता अर्थात 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर ये समय जो रहने वाला है, चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में पंचम षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये सारे भाव जो रहने वाले हैं जिसमें चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा स्वगृही रहेंगे, ये समय प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्गों के विद्या अर्जन में कुछ अच्छे ये कहा जाए कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बच्चों का, अध्ययन करने के प्रति रुझान जो होता है वो बढ़ेगा और साथ में आय के स्रोत में कुछ रुकावट के साथ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़कर रहेगा लेकिन धन के संचार में थोड़ी कठिनाइयों यहां पर अभी भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो मंगल आपके तृतीय भाव में बैठा है कारक भाव में और पराक्रम में मंगल का बैठना थोड़ी परेशानियों से परिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण योग आपके दशम भाव में बना है वो आपके लिए फंड्स की जो कमी है उसको पूरा कर देगा। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके से अच्छा है, हफ्ते का अंत हर तरीके से अच्छा है, लेकिन हफ्ते के मध्य में बहुत सारे खर्चे या यात्राओं के होने की पूरी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शेयर सट्टा लॉटरी में इस पूरे हफ्ते बच के रहिएगा, नहीं तो एक बड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतने वाला है आगामी 7 दिन 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।